क्राइम ब्रांच ने एबी रोड स्थित श्री माया होटल से नकली इंटरपोल अधिकारी को गिरफ्त में लिया है। आरोपी शहर के एक व्यापारी को उसकी फंसी हुई रकम वापस दिलाने का झांसा देकर यहां आया था और उससे 4.5 लाख रुपए भी ठग चुका था। MIG थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया, पीयूष नेमा निवासी गिरिराज न्यू बिल्डिंग नेमावर रोड की शिकायत पर आरोपी विपुल पिता विजय शेफर्ट को पकड़ा है। आरोपी 3 महीने से पीड़ित को व्यापार के सिलसिले में उलझे करीब 2.25 करोड़ रुपए निकाल कर देने का झांसा दे रहा था। विपुल श्रीमाया होटल में ठहरा हुआ था। दरअसल आरोपी विपुल शेफर्ट मूल रूप से यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। मद्रास यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद बेंगलुरु में नौकरी की। कुछ समय बाद वह बैतूल में आकर रहने लगा। उसके पास से जो कार्ड और पुलिस का लिखा लोगो मिला है वह नकली है। उसके बारे में दिल्ली के अफसरों से भी जानकारी निकाली गई है। दिल्ली पुलिस ने इस नाम के किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होने की बात कही है। ये पीयूष नेमा सनाफ अहमद नेमा निवासी 303 गिरिराज न्यू बिल्डिंग केसरबाग नेमावर रोड इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि जो इनके साथ विपुल शेफर्ट पिता विजय शेफर्ट निवासी बैतूल जो मूल निवासी रहना इनका इलाहाबाद का है, इनके द्वारा जो है इंटरपोल के पुलिस अधिकारी बन करके जो है इनसे 3.5 लाख रुपए ले लिए हैं। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध क्रमांक 415/22 धारा 419, 420, 171, 468 और 471 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ये इसने बताया कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई संस्था है, उससे जो है इसने उनका लोगो बनवा लिया और उसी के आधार पर उन्होंने लोगों को और ये विपुल शाह को पीयूष नेमा को जो है उन्होंने बताया विपुल ने कि वो पुलिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अधिकारी है और मध्य प्रदेश का प्रभारी है। इसी ऐसे से वो लोगों को डरा धमका करके जो है पैसे वसूलने का प्रयास कर रहा था। पूछताछ में यही बताया कि ये MBA किया हुआ है मद्रास यूनिवर्सिटी से और उसके बाद जो है इसने कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया है। वे मार्च में इसने जो है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और उसका आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिया था और उसी के आधार पर ये सब काम अपना कर रहा था। इसको जो है वो चिराग चंपू और दीपक मद्दा आदि जो लोग हैं उनसे 30 करोड़ रुपये जो है इसके पीयूष नेमा के लेना थे जो ये दिलाना चाहता था और इसीलिए इसने फर्जी पुलिस अधिकारी बन करके ये जो अपराध किया है।